हेलो फ्रेंड्स, उल एंड लव क्रिएटिंग द हैप्पीनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए मैट का ये नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, ये हमारा कॉर्नर का नया डिज़ाइन है। ये हमारा कॉर्नर पीस आप इस तरह से लैडर के ऊपर भी रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये मैंने लैडर के ऊपर इसे रखा है। आप देख सकते हैं, इस तरह से लैडर के ऊपर ये परफेक्ट बैठेगा। आप इस तरह से मल्टीपल पीस बनाकर लैडर के ऊपर रख सकते हैं, या चार पीस बनाकर इसकी एक पूरी रंगोली बना सकते हैं, दो पीस बनाकर इसका आप हाफ रंगोली बना सकते हैं। इस तरह से मैंने देखिए डोर के सामने भी इसे रखा है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने कपड़े के ऊपर इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर जाड़ा कपड़ा का यूज़ किया है। ये कपड़ा आपको फोम शॉप में मिल जाएगा। अब मैंने इस कपड़े के ऊपर साइड में एक सेंटर लिया है। सेंटर लेने के बाद स्केल से मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। वीडियो में दिखाए उसी तरह से दूसरे साइड भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने दो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद मेजरमेंट टेप लेंगे। इस तरह से एक इंच के ऊपर हम इसे इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से इसी तरह से सेंटर से एक इंच इस साइड हम निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरह सेंटर से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक एक इंच यहाँ से लेकर जो हमने बीच में ड्रॉ कर ली है लाइन, वहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे। देखिए, इस तरह से, और इस दो सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, एक एक इंच के नाप से इसी तरह से। फिर मैंने जो एक इंच का नाप लिया था, वहाँ से आगे एक इंच लूँगी। इसी तरह से दूसरे साइड में एक इंच से मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद जो हमने मिडल में जो लाइन ड्रॉ कर ली है, वहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे और दो लाइन को ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से सेम आगे हम डेढ़ इंच का नाप लेंगे और निशान लगाएंगे। देखिए, उसी तरह से दूसरे साइड भी डेढ़ इंच का नाप लेकर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दो तीन बार इसे नापेंगे और डेढ़ डेढ़ इंच के हिसाब से इसे मार्क करते जाएंगे। देखिए, इस तरह से, ताकि हमारा मेजरमेंट बराबर आए। देखिए, इस तरह से। और हम क्या करेंगे, सभी जो मार्क किए हैं उस सभी को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। फिर हम लेंगे आगे एक इंच, एक इंच का नाप लेकर थोड़े थोड़े जगह पर निशान लगाएंगे। फिर लेंगे डेढ़ इंच का नाप। उसी तरह से देखिए, उसी तरह से यहाँ पर मैंने एक दो तीन चार पाँच छः इस तरह से हाफ स्क्वायर बनाए हैं। पहला एक इंच, एक इंच, डेढ़ इंच, डेढ़ इंच, एक इंच, डेढ़ इंच, इस हिसाब से मैंने सभी को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब जो लास्ट की लाइन है, उसका हम मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट लेने के बाद क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर आता है 4.2 के ऊपर। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे। अब 4.2 का मिडल निकालेंगे, 2.1। उसी तरह से दूसरे साइड भी हम 2.1 पर निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से। अब जो 2.1 का मेजरमेंट है, तो हम कंपास पर 2.1 का मेजरमेंट लेकर इस तरह से दोनों साइड हाफ सर्कल बनाएंगे। उसके बाद हम लेंगे डेढ़ इंच का माप। डेढ़ इंच से हम इसके अंदर दूसरा हाफ सर्कल बनाएंगे। सेम यही प्रोसेस हम दूसरे साइड भी करेंगे। देखिए, इस तरह से दूसरे साइड भी हम सेंटर निकाल कर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसके बाद हमने जो मिडल का लाइन लिया था, उसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और देखिए, इस तरह से हाथ से एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। पेटल का ये डिज़ाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरी डिज़ाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्लू गन लेंगे। उसके हिसाब से पहले जो हमने एक इंच का स्क्वायर बनाया है, उस पे हम रेड कलर की फर को चिपकाएंगे। अब लेंगे हम येल्लो कलर। येल्लो कलर लेने के बाद देखिए, इस तरह से वीडियो में दिखाए उस तरह से हम यहाँ पर येल्लो कलर की फर को चिपकाएंगे। पहले हम बॉर्डर बनाएंगे, फिर अंदर की फर को चिपकाएंगे, ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी से आए। इसके बाद लेंगे लाइट ऑरेंज कलर। देखिए, इस तरह से पहले हम बॉर्डर को दोनों साइड से फर को चिपकाएंगे और फिर बीच में, ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हम लेंगे लाइट ऑरेंज कलर की फर को और इस तरह से चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद थोड़ा सा टैप टैप करेंगे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद लेंगे
देखिए रेड कलर की फर को वीडियो में दिखा है उस तरह से हम इस फर को चिपकाते जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर जितनी भी जगह है वहाँ पर हम क्या करेंगे रेड कलर की फर को चिपकाएंगे। वीडियो में दिखा है उस तरह से आप इस फर को चिपकाएंगे। अब हम लेंगे ग्रीन कलर, यहाँ पर मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है। देखिए यहाँ पर हम डार्क ग्रीन कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए अब हमने लिया है व्हाइट कलर की फर को लास्ट के, देखिए ये सेक्शन में हम व्हाइट कलर की फर को चिपकाएंगे। ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने रियल फ्लावर के जैसा रखा है ताकि ये हमारी रंगोली रखने के बाद हम जैसे रियल फ्लावर से रंगोली बनाए है इस तरह से ये हमारी रंगोली दिखेगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर की फर को चिपकाया है। देखिए जो हमने ये हाफ सर्कल बनाए है तो अंदर का 1.5 इंच का सर्कल है वहाँ पर हम रेड कलर की फर को चिपकाएंगे। उसके बाद लेंगे लाइट ऑरेंज कलर, इसी तरह से हम दूसरा भी हाफ सर्कल बना लेंगे। बीच में देंगे रेड कलर। देखिए यहाँ पर चार चार लाइन ऑरेंज कलर का मैंने दिया है। देखिए अब जो बीच में हमने पेटल बनाई है वहाँ पर हम क्या करेंगे ग्रीन कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए इस तरह से पूरे पेटल में हम ग्रीन कलर की फर को चिपकाएंगे और इस साइड बनाई है इसी तरह से इस साइड हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब बचे हुए कपड़े को इस तरह से साइड से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से वीडियो में दिखाए इस तरह से फर को चिपक कर हम पूरे कपड़े को इस तरह से कट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरे कपड़े को कट कर लिया है तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन तैयार होंगी। देखिए इस तरह से ये हमारा कॉर्नर का पीस बनके तैयार हो गई है। ये कॉर्नर का पीस की डिज़ाइन आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।